इस वीडियो में हम पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस ही है, लेकिन वो पॉइंटर की तरह काम करता है, किसी चीज़ को पॉइंट करता है या क्लिक करता है, या किसी शो करने के लिए, हम किसी वर्ड को शो करने के लिए या किसी फाइल को हम पॉइंट करवाने के लिए पॉइंटिंग डिवाइस का हम यूज़ करते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस भी इनपुट डिवाइस में ही आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं जो कि इनपुट डिवाइस ही होते हैं। तो माउस जो है हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है और इनपुट डिवाइस है, जो कि माउस का आविष्कार डगलस सी इजेल बर्ट ने किया था 1964 में। और माउस में एक्शंस कौन कौन से होते हैं, एक क्लिक एक्शन होता है, लेफ्ट राइट एक्शन होता है, डबल क्लिक एक्शन होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन होता है, स्क्रोलिंग एक्शन होता है, पॉइंटिंग एक्शन होता है, ये सब माउस के एक्शंस हैं। एक्शंस मींस काम, माउस के काम। टाइप ऑफ माउस, माउस कितने तरीके के होते हैं, एक मैकेनिकल माउस होता है जो कि वायर्ड होता है, वायर्ड से कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, एक मैकेनिकल माउस होता है, एक ऑप्टिकल माउस होता है जिसके लिए प्रकाश की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल माउस ये जनरली हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है। एक वायरलेस माउस होता है, वायरलेस माउस ब्लूटूथ की तरह कनेक्टेड होते हैं जो कि आजकल बहुत प्रचलित है। फिर देन पॉइंटिंग डिवाइस और कौन से होते हैं, जैसे जॉयस्टिक हो गया, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक का यूज़ हम गेमिंग के लिए करते हैं, जो कि एक स्क्रोलिंग स्टिक होती है जो कि 360 डिग्री पर घूम सकती है, चारों तरफ घूम सकती है, और जो कि हम इसका जॉयस्टिक का उपयोग हम गेमिंग के लिए करते हैं, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि माउस की तरह ही काम करता है, एरो पॉइंटिंग होता है, इसमें एरो को हम इधर से उधर ले जा सकते हैं, लेकिन ये जनरली कैड में यूज़ करते हैं। कैड जो इंजीनियर्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स का नक्शा बनाते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं। कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। फिर लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन हम जो है किसी बोर्ड पर लिख सकते हैं लाइट पेन से, तो उसको हम लाइट पेन बोलते हैं, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। स्टाइल्स भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके माध्यम से हम मोबाइल स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पर लिख कर, या हम ईमेल कर सकते हैं मोबाइल स्क्रीन के स्क्रीन पर लिख कर। तो ये सब पॉइंटिंग डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस ही है, लेकिन ये पॉइंटर की तरह काम करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। और जो भी चीज़ें मैंने बताई है, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्टाइल्स, इन सब का आविष्कार किसने किया था, कब किया था, ये सब जानने की कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर वो आविष्कार पूछेंगे कब हुआ था, तो ये हिस्ट्री पूछ रहे हैं, कंप्यूटर नहीं पूछ रहा है। तो मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है, अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं तो। थैंक यू।